Hello guys, what's up? This is Ashokan. Welcome to another episode of UFC Hot News in Hindi. अच्छा तो अभी एक मेजर UFC इवेंट के आने के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी है ना, तो अभी तो फ़िलहाल कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिल नहीं रहा था. मैं बस ब्राउज़ कर रहा था तो सब बोरिंग न्यूज़ है. ठीक है, अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा था, तो बस ऐसे ही बैठा था कि बस यार सडनली ये इंटरेस्टिंग पीस ऑफ वीडियो देखने को मिला. ये वीडियो है जो हबीब के मैनेजर हैं अली अब्दुल अज़ीज़, इन्होंने माइक टाइसन द लेजेंड, उनका एक टॉक शो है हॉट बॉक्सिंग, कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, उसमें पार्टिसिपेट किया है. हमेशा अच्छा रहता, बहुत मस्त रहता है. आप देख सकते हैं यूट्यूब में माइक टाइसन का टॉक शो है हॉट बॉक्सिंग. अच्छा, ये जो वीडियो है जिसमें मैनेजर अली अब्दुल अज़ीज़ ने पार्टिसिपेट किया है एज ए गेस्ट, इसका ये एक्चुअली 50 मिनट्स का वीडियो है. इसका एक छोटा सा पार्ट मिला हुआ है, तो ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप भी देखिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, और ये जो 6 मिनट की बात कर रहा हूँ ना, उससे भी इंटरेस्टिंग है. तो इसमें बहुत कुछ बातें हुई. एक माइक टाइसन बैठे थे और अली अब्दुल अज़ीज़ बैठे थे और हेनरी सहूडो भी थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. एंड तो ओलिवेरा भी चैम्पियन है, तो हमने जो वीडियो बनाई थी हबीब वर्सेस ओलिवेरा, उसी टॉपिक पे बात हुआ. तो अली अब्दुल अज़ीज़ का कहना था कि उनसे पूछा गया कि आप क्या सोचते हो हबीब वर्सेस ओलिवेरा, तो अली अब्दुल अज़ीज़ ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि हबीब ओलिवेरा को एक राउंड में हरा देंगे. ओके, और अली का कहना था कि ओलिवेरा इज़ अ गुड फाइटर, ओके, बट हबीब इज़ अ ग्रेट फाइटर. ठीक है, दोनों में डिफरेंस होती है, ये मैंने कह रहा हूँ, अली अब्दुल अज़ीज़ का कहना है. उनका कहना था कि ओलिवेरा इज़ अ गुड फाइटर बट हबीब इज़ अ ग्रेट फाइटर. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गुड फाइटर एंड अ ग्रेट फाइटर. तो ये सही डायलॉग था. तो सब लोग कन्विंस हो गए थे, टाइसन और सेहूडो. एंड देन अली अब्दुल अज़ीज़ ने एक कहानी सुनाई कि अभी कुछ ही दिन पहले मतलब लास्ट वीक GSP ने डैना वाइट को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वो इंटरेस्टेड हैं, GSP इंटरेस्टेड है हबीब को फाइट करने के लिए. ठीक है, बट मैं ये सुन के बहुत ही खुश हो गया था. आई थॉट हबीब इज़ गोइंग टू रिटर्न, बट अली अब्दुल अज़ीज़ कुछ इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, क्योंकि बेसिकली थिंग इज़ हबीब, यू नो, वापस उन्होंने हबीब के मॉम के बारे में कहा कि हबीब ने, जो हमको पता है, हबीब ने हमें मॉम को प्रॉमिस किया है तो परमिशन नहीं मिल रहा है, ये सब हमको पता है ना. तो इसके वजह से अभी ये फ़ाइट हबीब भी इंटरेस्टेड नहीं है एंड मैनेजर अली अब्दुल अज़ीज़ भी उतने इंटरेस्टेड नहीं है. तो टाइसन और सेहूडो ने पूछा कि फिर क्या हो सकता है, इसका क्या रास्ता हो सकता है, व्हाट इज़ द न्यू आइडिया. इमीडिएटली मैनेजर अली अब्दुल अज़ीज़ इज़ वेरी स्मार्ट. उन्होंने कहा कि GSP को हबीब के बारे में भूलना चाहिए, बट GSP शुड फाइट अनदर फाइटर. तो बस मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हो गया, कौन फाइटर है. तो टाइसन ने भी पूछा, सेहूडो ने भी पूछा, कौन फाइटर. इमीडिएटली अली ने कहा कि GSP वर्सेस हबीब तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट GSP वर्सेस कमारो उस्मान होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज कमारो उस्मान इज़ अ वेल्टर वेट एंड GSP इज़ ऑल्सो ए नेचुरल वेल्टर वेट. तो ये टाइसन ने भी कहा, ये सही बात है. एंड तो सेहूडो ने इमीडिएटली पूछा कि प्रडिक्शन क्या हो सकता है, कमारो उस्मान वर्सेज GSP का क्या प्रडिक्शन. अली इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. अली ने कहा कि कमारो उस्मान इज़ गोइंग टू नॉक आउट GSP. वो दैट इज़ अ बिग स्टेटमेंट. यू नो GSP भी टफ फाइटर हैं. एंड सेहूडो ने ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताई कि जो कि अली अब्दुल अज़ीज़ भी मानते हैं कि GSP ट्रेन्स डेली. सब लोग नोटिस कर रहे हैं GSP को एंड हम लोग भी नोटिस कर रहे हैं ना, GSP डेली ट्रेन करते हैं, ही इज़ कम्प्लीटली फिट. तो अली का कहना है कि कमारो उस्मान GSP को एक राउंड में ख़त्म कर देंगे. वेल आई थिंक अली जो मैनेजर हैं कमारो के, बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने कैंडिडेट पे, कमारो उस्मान पे. मैं भी मानता हूँ कमारो उस्मान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर, बट आई थिंक कमारो वर्सेस GSP विल बी अ टफ फाइट. GSP से सुपरमैन ना यार, कमारो भी कम नहीं है, कमारो इज़ ऑल्सो लेजेंड डॉक्टर कमारो उस्मान. तो ये सब चीज़ें. और अली ने इसके बीच में एक और चीज़ कही कि यू नो हबीब के बारे में कही कि हबीब को वापस लाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनको एक्चुअली रिसेंटली मतलब कुछ महीनों पहले ही उनको जो कि एक्चुअली हम में से कुछ लोगों को पता होगा कि उनको फ्लॉयड मेवेदर के साथ एक फाइटिंग करने का ऑफ़र मिला था. $100 मिलियन का ऑफ़र मिला था, $100 मिलियन टू फाइट फ्लॉयड मेवेदर इन ए बॉक्सिंग फाइट.
तो ये हबीब ने मना कर दिया था एंड सेइंग दैट हबीब इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मनी एंड वो अपना लीगसी देखना चाहते हैं और भी रीज़न सुनाया उन्होंने, तो ये हबीब ने मना किया है, तो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आप भी देखिए वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, एन्जॉय द वीडियो गाइस एंड कमेंट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।